चलो हो गया सबका फॉर्म भरना, एक सब कर लो फॉर्म भरना, चलो एक दूसरे से बातें कर लो, फिर अब आपको चुप रहना है इसलिए अभी कर लो, कोई बात नहीं। चलो हो गया फॉर्म भरना। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम गौरव कौटिल्य अकेडमी। हम सिविल सर्विसेज से रिलेटेड सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, यहाँ पर सभी सभी लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका है क्या? हाँ वो है ग्रेजुएशन, और कोई अंडर ग्रेजुएट आप चलो ठीक है। MPPSC UPSC के बारे में आपको कुछ आइडिया है? अच्छा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कलेक्टर्स होते हैं है ना, जो अपने फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं है ना, और फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, इन सभी लेवल का जो एग्जाम है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है सेंट्रल लेवल पर। और स्टेट लेवल पे यूपीएससी के समान ही स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बोर्ड होता है, तो अपने बोर्ड का नाम है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। कोई डाउट है इसमें? हर स्टेट का अलग होता है, जैसे महाराष्ट्र का MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश का UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें कोई डाउट है? अरे सुन, जनरली जो ये MPPSC है एक बोर्ड है जो एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है पर ईयर, सुन रहा है आपको, इसमें कोई डाउट है? जो एग्जाम होता है वो तीन चरणों में कंप्लीट होता है, MPPSC का जो एग्जाम होता है, अपन MPPSC पर ही फोकस करेंगे इस बार। MPPSC का जो एग्जाम होता है बेटा तीन चरणों में होता है पूरे ईयर, पहला होता है प्रीलिमिनरी, दूसरा होता है मेन, और आपको सब पता है, सब पता है क्या? चलो कुछ भी नहीं पता ऐसा, इतना ही पता है बाहर। चलो प्री में दो पेपर होते हैं अपने पास, एक होता है GS का और एक होता है CSAT। GS का मतलब होता है जनरल स्टडीज, इसमें कोई डाउट है? 200 मार्क्स का पेपर होता है ना, और ये केवल क्वालिफाइंग होता है, जनरल एप्टीट्यूड है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि आप डॉक्टर और पेशेंट आए तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, सरल सरल प्रश्न आते हैं, छोटे छोटे गणित है ना, छोटी छोटी बातें, शक्तिमान जो बताता है वो वाली बातें सब इसमें आती है, समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट है? GS में अपने सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस है ना, GS करंट अफेयर्स वगैरह सारे सारे। कोई डाउट इसमें? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना, इसका कट ऑफ जाता है जनरली 70-75 क्वेश्चंस पर क्वेश्चन, 200 मार्क्स पर क्वेश्चन, 2 मार्क्स होते हैं तो 100 क्वेश्चन होते हैं तो 200 मार्क्स का पेपर होगा है ना, इतने आपको क्वेश्चन राइट करने हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाता है, मतलब आपका लगभग 140-160 मार्क्स आना है, तो फिर कैटेगरी वाइज आगे कट ऑफ पड़ता है, SC के लिए अलग होता है, ST के लिए अलग होता है, OBC के लिए अलग होता है, जनरल के लिए अलग होता है। सुन, इट इज ऑनली अ क्वालिफाइंग पेपर, प्री इज क्वालिफाइंग पेपर फॉर मेंस, आप अगर प्री में क्वालिफाई कर पाते हो तो ही आप मेंस में फॉर्म, इसमें कोई डाउट है? मेंस मतलब आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना होता है, सब्जेक्टिव मतलब समझ में आ रहा है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, किसके बीच में होती है और इसके क्या प्रभाव हुए है ना, अगर आप देखो पानीपत की पढ़ाई कब लड़ाई कब हुई, पढ़ाई नहीं लड़ाई है ना, पानीपत की लड़ाई को पढ़ाई में पढ़ना है, समझ में आ रहा है? ये सारे मेंस के है ना, अब इसके भी चार पेपर होते, टोटल अपने इसके पास 6 पेपर होते, GS1 GS2 GS3 GS4 है ना, हिंदी और ऐसे, सुन आ रहा है? ऐसे GS1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, GS2 में पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन, GS3 में साइंस टेक्नोलॉजी है ना, GS4 में एथिक्स, हिंदी और ऐसे।